जैम लगाने की जगह ये माँ चिपकू को हम लगा के खा लिया। क्या हुआ बापूजी, कैसे खा लिया बताइए, बोलिए ना बापूजी कैसे खाया। अच्छा रुको रुको रुको, 10 मिनट के बाद बोलेंगे, चलो। बापूजी का इशारा है कि महाचिपकू का वजह से उनका मुंह चिपक गया, इसलिए बोल नहीं पा रहे। महेश कुछ करो, नहीं तो तुम्हारे बापूजी ना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। क्या? मेरा मतलब है कि उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। मैं कुछ करता हूँ। खून करेगा क्या? महेश इधर आइए, ये देखिए बॉटल पर क्या लिखा है। महाचिपकू गम से अगर कुछ चीज छुड़वानी हो तो उसे गर्म पानी में डालो तो छूट जाती है। बाबूजी कब से पानी नहीं पिया, अब थोड़ा पानी पी लिया। और वानर लोग का चप्पा चप्पा छान मारो, मुझे हर हाल में गोलू चाहिए। जाओ जाकर ढूंढो उसे, ताकि मैं उसे भी यहाँ उसके पिता के साथ कैद करके वानर लोग का राजा बन सकूं। जाओ। भूतों की सारी कहानियां तो सुन ली, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात तो मैं तुझे बताना ही भूल गई। कौन सी बात? वो जो भूत होते हैं ना, वो रात को सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और अभी क्या है, दिन या रात? रात। हाँ तो मानव बच के रहना, क्योंकि कभी कभी वो भूत जमीन पर आ सकते हैं। बस बस मैं आज मेरे डरने का कोटा पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ओ मानव तू भी ना डरपोक क्या, तेरे डरने का कोटा तो खत्म हो गया लेकिन मेरे डराने का कोटा खत्म नहीं हुआ। वो जो भूत होता है ना, कभी भी तेरे ऊपर हाथ रख सकते हैं। अच्छा अभी मुझे डरा रहा है, हाथ रख कर देख मुझे डर नहीं लगता है, समझा? गोरिल्ला, गोरिल्ला! ये मैं मुझे से डरावनी चीखे निकल कर डरा मत। गोलू? नहीं बालवीर, ये गोलू नहीं, ये तो गोरिल्ला है। हाँ लेकिन अभी ये बच्चा है और इसका नाम गोलू। तुम्हें इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अरे बच्चों डरो मत, ये तुमसे दोस्ती करना चाहता है।
बच्चों, दरअसल किसी कारणवश ये अपने माता पिता से दूर हो गया है और कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे इसकी सुरक्षा के लिए इसे यहाँ लाना पड़ा। बस कल सूरज ढलने तक की बात है, फिर मैं इसे यहाँ से लेकर जाऊंगा। दोनों इसका अच्छे से ध्यान रखेंगे। हाँ शुक्रिया बच्चे, लेकिन हाँ गोलू को घर वालों से छुपा कर रखना, वरना वो इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। ठीक है बालवीर। अच्छा गोलू, अब मैं चलता, लेकिन यहाँ अच्छे से रहना, कोई भी शरारत मत करना। रानी परी को क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? रानी परी क्या हुआ, आप इतने चिंतित क्यों हैं? बालवीर, हम वानर लोक के राजा जुरीला के बारे में सोच सोच कर बहुत चिंतित हैं। राजा जुरीला बहुत ही सच्चे और अच्छे राजा हैं। उन्होंने बुराई के विरुद्ध लड़ाई में हर कदम में हमारा साथ दिया, लेकिन आज हर जब वो संकट में है तो हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन रानी परी, हम वाना लोग जाकर वहाँ की प्रजा को तो ये समझा सकते हैं कि वो हतुबा का साथ ना दे, बुराई का साथ ना दे। हाँ रानी परी, अगर वानर लोग की प्रजा हतुबा के खिलाफ हो गई तो वो खुद ब खुद ही कमजोर पड़ जाएगा। हाँ भटकाती परी, क्योंकि प्रजा ही राजा की असली शक्ति होती है, बिना प्रजा के राजा का कोई अस्तित्व नहीं होता। परियो, बालवीर, आप सब जो सोच रहे वो सही है, लेकिन वानर लोक के नियम कुछ अलग है। वानर लोक में जो सबसे शक्तिशाली होता है वही वहां का राजा बन सकता है, और इस समय वहां पर हतुबा के अलावा और कोई शक्तिशाली नहीं है। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बालवीर, हतुबा शक्तिशाली होने के साथ साथ आक्रामक स्वभाव के हैं, उसे समझाना, युद्ध को आमंत्रण देना होगा। लेकिन रानी परी, हमें राजा जोरीला का साथ देना ही होगा, उन्हें हमारी जरूरत है, वो हमेशा हमारी मदद करते हैं, अब हमें भी उनकी मदद करनी ही होगी। वो हमेशा सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़े, अब सच्चाई और अच्छाई को भी उनके लिए लड़ना होगा। हाँ बालवीर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसीलिए हम, आप और बाल परी वानर लोक में जाएंगे और हतुबा को समझाने का प्रयत्न करेंगे। जी रानी परी। अरे अरे कोलू, ये तकिया है, ये खाने की चीज नहीं है, रखो इसे। अरे कोलू, ये फुटबॉल है, ये भी खाने की चीज नहीं है। अरे ये मेरा टेडी बेयर है, ये भी खाने की चीज नहीं है। अरे अरे ये मेरी किताब है, ये तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरे मानव कपड़े, ये खाने की चीज नहीं है, देखो। अरे मानव, अरे रुको, मुझे पता है कि तुझे भूख लगी है, लेकिन जो तू खाने की सोच रहा है वो सब खाने की चीजें नहीं है। तुम्हें भूख लगी है ना, तो ठीक है, मैं और मानव तेरे लिए कुछ खाने पीने की चीज लेके आते हैं, ठीक है? चल मानव। गोलू, तुम
ये ऐसे नहीं सुनेगा। मानव तू एक काम कर, इसे पकड़ के रख, हाँ? वरना पीट दूंगी। अरे मानव डर क्या रहा है, पकड़। ये पकड़ा। अरे मैं गोलू को बोला रुकने के लिए। गोलू बापरे। गोलू रुक जा, वरना पीट दूंगी। गोलू चल बाहर आ जा। मुझे पता है तुझे भूख लगी है ना। ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं और मानव तेरे लिए खाने की चीज लेके आते हैं। ठीक है चल। अरे गोलू मैंने कहा ना कि तू यही रुकेगा, मतलब यही रुकेगा, समझा? एक इधर आ, अभी हाथ बांध के खड़ा रहो। हाँ बस, और हाँ यहाँ से हिलना मत, ठीक है? चल माना चल, जल्दी। ये बिना चश्मे के कमरा ढूंढना मतलब पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल काम है। हाँ ये है टीवी का टेबल, मतलब कमरा यहीं कहीं है। मिल गया कमरा, अब अंदर जाता हूँ और अलमारी से स्वेटर निकालता हूँ, बहुत ठंड लग रही है। क्या कहा, युवराज गोलू कहीं नहीं मिला, ऐसा नहीं हो सकता। चप्पा चप्पा छान मारो, जाओ। मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए, मुझे गोलू चाहिए। रानी जोरीली बताओ कहाँ है तुम्हारा बेटा? जहाँ भी है सुरक्षित है, तुम्हारी बुराई उसको छू भी नहीं सकती। तुम्हारे होने वाले राजा का आदेश मानो, नहीं तो मैं तुम्हें भी गुफाओं में कैद कर दूंगा। तुम जो चाहे कर लो हतुबा, तुम्हारे राजा बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा, कभी नहीं। हतुबा, रानी जोरेली पर हाथ मत उठा, क्योंकि वो अकेली नहीं, हम सब है उसके साथ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम तुम्हें और तुम्हारी प्रजा को ये बताने आए हैं कि हमारे होते हुए कोई भी बुराई वानर सेना की गद्दी पर नहीं बैठ सकती। अच्छा। हाँ हाँ तुबा, तुम अपनी ताकत का इस्तेमाल बुराई के लिए मत करो। बुराई? सिर्फ बुराई नहीं बालवीर, ताकत, बुराई से भरी हुई ताकत। मेरी इस ताकत ने ही मुझे यहाँ का राजा बनाया है, और जिसमें ताकत है वो मुझे हरा दे। बोलो मुझसे लड़ने वाला कौन है यहाँ? तुम लड़ोगे? देखा, सब जानते हैं कि मैं हूँ सबसे शक्तिशाली और इस लोक का राजा। अपनी ताकत का इतना घमंड अच्छा नहीं होता, मैं तुम्हारे इस घमंड को चूर चूर कर दूंगा। अच्छा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। बोलो करोगे युद्ध मुझसे? बोलो। क्या हुआ, डर गए बालवीर? हाँ
और अच्छाई कभी नहीं डरती। मैं तुम्हारे घमंड को चूर चूर करने के लिए जरूर लड़ूंगा, बुराई को हराने के लिए जरूर लड़ूंगा, सच्चाई और अच्छाई को जिताने के लिए जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा। और हां हतुबा, कान खोल के सुन, अगर तुम हार गए और मैं जीत गया तो तुम्हें यहां की प्रजा का सेवक बन के रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि इस युद्ध में सिर्फ तुम हारोगे, मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा। अरे वाह, आज मैं हैंडसम लग रहा हूँ। इस उम्र के हिसाब से बॉडी भी सही है मेरी। दादाजी, आईने ने मुझे मारा। आईने ने? कैसे? अरे मारा सचमुच, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? पर दादाजी, आप इधर क्यों आए थे? अरे वो अलमारी से स्वेटर निकालने आया था, बहुत ठंड लग रही है। अरे दादाजी नहीं, अलमारी भी आपकी नहीं है ना, कमरा आपका, ये कमरा हमारा है। अरे बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, मैं अंधा नहीं हो गया हूँ, मुझे क्या इतना भी पता नहीं चलता कि मेरा कमरा कौन सा और तुम्हारा कौन सा है? अभी मैं अलमारी से स्वेटर निकालता हूँ। दो दिन अलमारी को इस्तेमाल नहीं किया तो मकड़ी के जाले लग गए। एक मिनट खोलता हूँ, अभी देखो स्वेटर निकलेगा इसमें से। अरे दादाजी ये आपकी अलमारी नहीं है ये। हाँ, दरवाजा इतना टाइट क्यों हो गया, खुल क्यों नहीं रहा है? क्या हो रहा है मेरे साथ? आईने ने मुझे मारा, अलमारी ने धक्का दे दिया। अरे दादाजी इसलिए मैंने कहा था कि ये आपका कमरा नहीं है, ना ही अलमारी आपकी। कैसे हो सकता है? लेकिन चलिए दादाजी, अरे लेकिन तुम गोलू को मुझसे बचा नहीं पाओगे, मैं गोलू को यहाँ कैद करूंगा और यहाँ का राजा बनूंगा। Oh,
चल। रिप, ये गोलू हमसे डर क्यों रहा है? पता नहीं। अच्छा देख गोलू, हमने मानव महरी है और बस हमने कपड़े बदले हुए हैं। चल बाहर आ जा। अरे पर अच्छा एक मिनट, ये रहा, ये देख मानव के कपड़े हुँ? और ये मेरे कपड़े, हम लोग मानव महरी है। पहचाना? घबरा मत और यहाँ पे बैठ जाओ। हाँ चलो। बाल बना रही हूँ। Oh,
देखो कैसे बालवीर तुम्हारे राजा हतुबा के सामने पड़ा हुआ है, और तुम में से जो भी मुझे राजा नहीं मानेगा उसका भी यही हाल होगा। तो कोई है जो हतुबा से टकराना चाहता है? बालवीर, बालवीर उठिए और हतुबा को हरा दीजिए। कोई है? मुझे हतुबा को बल से नहीं अकल से हराना होगा, मुझे इसे थकाना होगा। आऊंगा बालवीर, गोलू को कैद करने और तुमसे बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। बुराई का कद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चाई और अच्छाई के सामने वो छोटा ही रहता है। गोलू तो रो मत प्लीज,
हमें पता है कि तुम अपने मम्मी पापा को बहुत मिस कर रहे हो। हाँ, बच्चे ज्यादा देर तक अपने मम्मी पापा से दूर नहीं रह पाते हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, बालवीर है ना, वो जरूर जल्दी से जल्दी तुझे अपने मम्मी पापा के पास लेके जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बीबीबी है, बच्चों को बचाने वाला बालवीर और बच्चों को खुशियाँ देने वाला बालवीर। हाँ, वो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ गोलू, अभी रो मत, ठीक है? चल गोलू, अभी हंस दे। ये ऐसे नहीं हंसेगा, हम हंसेंगे तो ये इसकी नकल करेगा और हंसेगा। हाँ गोलू, राजा जोरीला, रानी जोरीली, ये देखिए आपका बेटा गोलू पृथ्वी लोक पर बच्चों के साथ बिल्कुल सुरक्षित है। मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहता हूँ, मेरे बेटे गोलू को दुष्ट हतुबा से बचाने के लिए और मानव महर जैसे प्यारे दोस्त देने के लिए। अब जैसे ही हतुबा का पता चल जाएगा मैं इसे ऊपर लेकर आ जाऊंगा। हाँ, क्योंकि उस दुष्ट हतुबा का कोई भरोसा नहीं। हतुबा एक ऐसे चोट खाए सांप की तरह है जो कभी भी अपना फन फैला सकता है। हाँ, बस हमें एक बार यकीन हो जाए कि वो हतुबा यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है, तो मैं आपके बेटे गोलू को खुद पृथ्वी लोक से लेकर आपके पास लेकर आऊंगा। भयंकर परी, तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम मेरी मदद क्यों करोगी? अच्छा इनाम दिया तुमने मुझे बुराई फैलाने का भयंकर परी। अरे वानर लोक के सच्चे राजा का साथ देने पूरा परी लोक आ गया और तुम मुझ जैसी बुराई का साथ देना नहीं चाहती। बुरे दिन आ गए, बुराई के बुरे दिन आ गए। अब बुराई को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्या है? हो गई तुम्हारी नौटंकी खत्म? अब बताओ ये कि वो क्या चाहते तुम आखिर? बालवीर को हराना चाहता हूँ मैं, बालवीर को हराना। अच्छा, ए हराना चाहता ये भी बालवीर को, पर कैसे? एक छोटी सी चाल चल के देखो, जिस तरह से बालवीर और परियां वानरलोक के राजा की सहायता कर रही हैं, उससे ये साफ जाहिर हो जाता है कि गोलू परीलोक में ही है। मैं परीलोक जाके गोलू का अपहरण करना चाहता हूँ ताकि मैं गोलू के पिता से गोलू की रिहाई के बदले वानर लोक का राजपाट मांग सकूँ, और अगर ऐसा हुआ तो ये बालवीर की सबसे बड़ी हार होगी, सबसे बड़ी हार। बस, 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 बस। महाशय, जाकर परीलोक करना किसी का अपहरण है नहीं, बच्चों का खेल। उसी के लिए तो यहाँ आया हूँ भयंकर परी, मुझमें ताकत तो बहुत है पर बिना जादू के वो ताकत अधूरी है। अगर मेरी ताकत में तुम्हारी दी हुई जादुई शक्तियाँ मिल जाएं, तो मैं परीलोक का विनाश कर दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। अरे रे, फिर तो हो आए तुम गलत जगह लेने किसी की मदद। कहना क्या चाहते हो? क्योंकि ये परी भयंकर, अरे है आ रही है परी भयंकर खुद बालवीर और परियों से बार बार। अरे क्या खाक करेगी ये मदद तुम्हारी? चुप। बुराई को जिताने के लिए और सच्चाई को हराने के लिए भयंकर हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया। Oh.
जादुई शक्तियां भी। भयंकर खुश हो Ha 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 ha